हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आजकल के बच्चे हमारे? कुछ भी नहीं खाते आजकल। जितने भी चीज़ें फ्रेश वेजिटेबल बना के दे दो, स्प्राउट्स की दालें दे दो, आमलेट दे दो, एग बना दो, कुछ भी नहीं खाते। तो ऐसे ही मेरा ही एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम, आपने उसको ब्लॉग में देखा ही होगा। उसको भी कुछ भी बना दो, खिचड़ी बना दो वो नहीं खाता, आमलेट बना दो वो नहीं खाता। तो मैंने भी एक बहुत बढ़िया सही तोड़ने अपना लिया है एंड मैंने मंगा लिया स्लग फार्म के प्रोडक्ट्स, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल हैं और नो प्रिजर्वेटिव और नो फैट वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है और बच्चे के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो आओ उसके बारे में बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, हमारा मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ये मंगाया है, जगीरी पाउडर। जगीरी के नाम आप इस पर देखो कि पहचान ही जाओगे किससे बना हुआ है। तो ये गाइस बना हुआ है गन्ना, शुगर केन जो होती है शुगर केन, उसका पाउडर बना के उसको बना रखा है, जो कि हमारे को हेल्प करेगा नेचुरल शुगर लेने से, क्योंकि आजकल हर किसी बंदे को शुगर भी पड़ी है, हर किसी को डायबिटीज़ हो रखी है। ये नेचुरल चीज़ है, इसको डॉक्टर तो खुद ही यूज़ कहते हैं कि ये करो जिससे कि आपको शुगर फ्री रहो। डायबिटीज़ के पेशेंट भी हमारे ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, मान लो अगर आप दूध ले रहे हो, एक गिलास दूध ले रहे हो, उसकी जगह चीनी डालते हो, चीनी मत डालो, एक स्पून ये डालो, घुलाओ, मिक्स करो तो पी जाओ। और जैसे कि हो गया केक बना रहे हो, केक में भी चीनी डलती है, चीनी मत डालो, ये डालो, केक बन जाएगा। हलवा हो गया, हलवा भी डालो, जैसे कि इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस, ये हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि हम छोटा बच्चा मेरा एक साल का श्रेयान, हम उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं ज़्यादा चीनी मत दिया करो, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत दिया करो। तो हम कुछ तो मीठा वो खाएगा लेकिन पेट एकदम सब कुछ बंद तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने मंगाया है जगीरी पाउडर। हम इसको चीनी की जगह इस्तेमाल करेंगे और आप भी इसको एक बार यूज़ करके देखो। तो गाइस, मैंने नेक्स्ट चीज़ मंगाई है मेल्टेड डोसा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये हमारे स्कल फार्म वालों ने सुन लिया। क्यों? क्योंकि पहले मम्मियों को हमारी घंटा लगे रहना पड़ता था रसोई में, पहले उड़द की दाल मिक्स करो, फिर चने की दाल मिक्स करो, बतेरी दालें मिक्स करके एक बैटर बनाते थे, फिर उसको कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ो, तब जाके वो बैटर तैयार होता था, फिर उसमें घंटा लगे रहा, वो सही होता भी नहीं था, नहीं होता था। तो मैंने सिंपल सी चीज़ में और एक ही डोसे की डिश खा खा के हम बोर हो गए थे, क्योंकि टेस्ट तो यही ही आता है। तो हमने मैंने क्या करा है, मैंने नेट पे देखा था स्कल फार्म के बढ़िया बढ़िया डोसे की डिशेज आ रखी और फ्लेवर अच्छे आ रखे हैं, मैंने क्या करा फटाफट ऑर्डर कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें सब कुछ डाले तैयार है। हमें क्या करना है, सिर्फ आधे कप पानी में आधा कप पाउडर मिक्स करना है, उसका बैटर तैयार करना है और कुछ नहीं करना, बस पैन नॉन स्टिक तवे में हमें इसको बैटर को फैला देना है, जैसे आपने देखा है डोसे कैसे बनते हैं वैसे डोसे को फैलाना है। और अगर आपने कुछ फिलिंग उसके अंदर डालनी है डाल दो, नहीं डालनी तो फिर उसको ऐसे पैक करके नॉर्मल भी खा सकते हैं। ये ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि ये स्पेनिश करके फ्लेवर है और इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसके अंदर नो प्रिजर्वेटिव्स है, नो शुगर, इसमें मैदा वैदा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्रेश चीज़ों से बना है। एक तो इसके अंदर स्पेनिश फ्लेवर है, जैसे मैंने कहा था डोसा खा खा के एक ही डोसे से बोर हो गए फ्लेवर, तो होना तो चाहिए एक ही स्पेनिश फ्लेवर। और एक फ्लेवर आया हमारे पास बीट रूट, दो फ्लेवर करके मैंने मंगा लिया आराम से, दोनों मिलके खाएंगे, मम्मी को कह दूंगा आराम से बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लेके आए हैं सरफ फार्म की तरफ से सीरियल, ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया। क्यों? ये हमने ऑर्डर करा है श्याम के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, दूध के अलावा सब्जी लेते हैं तो उन्हें दूध चाहिए, इन्हें फ्रूट्स खिलाओ वो नहीं खाते, कुछ खाना खिलाओ वो नहीं खाते, चावल खिलाओ, रोटी खिलाओ, कुछ भी नहीं खाते। तो ऐसे तो सारे उनको विटामिन मिल नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या ऑर्डर कर दिया सीरियल का सत्तू मावू। तो सीरियल का मैंने सत्तू मावू एड मंगा दिया है, सुनता नहीं एक ही जन है जो हमारी सुनता है, वो है स्लग फार्म वाले, जो ये टू मदर्स है उन्होंने सुन लिया है, उन्होंने हमारे को ऑर्डर बता दिया कि ये चीज़ अपने बच्चों को खिलाओ, उसके अंदर सारे विटामिन मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, जैसे इसमें रेसिपी लिखी हुई है कैसे होना है, आधे कप में थोड़ा सा पानी ले लो या दूध ले लो आधे कप में, और तीन स्कूप हम डाल देंगे स्लग फार्म के, तीन स्कूप हमने इसमें डाल देने हैं एंड उसको थोड़ी देर 3 या 4 मिनट के लिए हल्का सा गर्म करना है एंड ये रेडी टू ईट है। आराम से अपने बच्चों को खिलाओ, जैसे इसके अंदर देख सकते हो बादाम, बादाम एड्स हैं, क्योंकि एसेंशियल मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं,
अब देख सकते हैं इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें, जैसे रागी, ज्वार, आलमंड्स, ब्राउन राइस, सब कुछ इसके अंदर मिक्स है, जो कि आपके बच्चों को अच्छे विटामिन और अच्छी हेल्थ देगा। इसके भी मैंने 3 फ्लेवर मंगा लिए हैं, क्योंकि एक से तो वो भी बोर हो जाएगा। पहले तो मैंने मंगा लिए, थोड़े टाइम हम देंगे सत्तू मावू, एक दिन ये दे देंगे। एक दिन हमने मंगा लिया स्प्राउटेड रागी, एक दिन हम इसको स्प्राउटेड रागी भी दे देंगे, क्योंकि अलग अलग वैरायटी रहेगी, टेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक मैंने मंगा लिया बनाना रागी राइस का मिक्सचर, जो कि इसमें जैसे केले वेले जो बच्चे नहीं खाते वो भी केले वेले खा लेंगे, जैसे कि इसमें रागी, ज्वार, राइस, डेट्स पाउडर, नेचुरल बनाना पाउडर है। बनाने को आराम से सुखा सुखा के पाउडर बना के इसको इसमें डाल दिया है, एंड ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल, जिससे कि बच्चे में आपके जान आ जाएगी, तो वो मैंने मंगा लिया। अब देखो तो गाइस, ये प्रोडक्ट्स मैंने तो मंगा लिया, और ये प्रोडक्ट्स आप भी मंगाओ। इसके मैं लिंक और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी अगर कोई प्रोमो कोड होगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको अप्लाई करके बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो गाइस, एक चीज़ और हमें फ्री गिफ्ट मिला है इतनी सारे प्रोडक्ट्स मंगाने पर, जो कि है माइटी पफ, ले सकते हैं एंड छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। ये क्या है, जैसे चिप्स तो होते ही हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे उसमें जंक्स होते हैं, जंक फूड होता है एक तरीके से, वही माना जाता है, चिप्स फ्राइड होते हैं तो वो सही नहीं होता। तो ये एक तरीके से वैसे काम करेगा जो हम जैसे चाय के साथ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, और ये हमारे को पावर भी देंगे हमारे, जैसे इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, रागी है, फ्लेवर अच्छा है, तो आप इसको भी ट्राई करें एंड ये भी आप मंगा लें, जिसका नाम है माइटी पफ। बाय। Top.